मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका डायग्राम इस तरफ लिखा हुआ है। थर्ड सेकेंड थर्ड आपके जितने डायग्राम है ये इस तरफ है, आपके क्वेश्चन इस तरफ लिखे हुए। इसमें पूछा गया है विच कांग्रेस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग, इन सब में आपने कौन सा जो आपने कांग्रेस कंडीशन के बारे में पढ़ा था कौन सा क्राइटेरिया है जिस तरह है ताकि ये आपकी कॉन्फिडेंट प्रूफ हो जाए कि आपके कौन सा सब 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 मुद्दा आपको यूज करी हुई है कि आपको ये कॉन्फिडेंट प्रूफ हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा लिखा हुआ है एसी इज इक्वल्स टू बी है, तो एसी हमारा कौन सा है, एसी हमारे पास ये है एसी इज इक्वल्स टू बी है। ठीक है, फिर हमारा ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास डी ई है और नेक्स्ट हमारे पास बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ है। ठीक है, तो हमारे पास ये कह सकते हैं हम हमारा कि ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, ये साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन लिखा जाए कि हमारे पास ये कौन सी कंडीशन है, बाय साइड 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 कांग्रेस कंडीशन है। ठीक है, बाय साइड साइड है कांग्रेस कंडीशन। या फिर कह सकते हैं कि हम किससे मानते हैं, ये सर्वांग समता के अकॉर्डिंग ये कौन सी है, एस 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 सर्वांग समता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो इसको लेते हैं, नेक्स्ट वाला है देखो जेड एक्स इक्वल्स टू आर पी, मतलब ये जो जेड एक्स है ये हमारा आर पी के इक्वल है, पी क्यू हमारे किसके है एक्स वाई के, सॉरी आर क्यू आर क्यू हमारे पास इक्वल है इसके। हमारा ये जो एंगल है ये दो साइड से, तो इन दोनों साइड से आर वाला एंगल और ये जेड वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये आर वाला एंगल उसने क्या लिखा, पी क्यू आर, पी क्यू पी आर क्यू एक्स जेड वाई इस तरह से लिखा है। अगर हमारे पास तीन चीजें लिखी है जो मिड में है उस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एक्स जेड वाई ट्राई कर, इसी तरह होगा इसको
ऐसे थोड़ा रोटेट कर दीजिए, रोटेट करने के बाद आपको बिल्कुल सेम डायग्राम नजर आएगा। इसको क्या है, आपको डायग्राम तिरछा है, नेक्स्ट नंबर का सेक्शन कोई भी आपकी साइड है, ये आपके हाइपोटेन्यूस है मतलब गर्ड है, ये आपकी गर्ड या आपकी साइड और ये आपकी 90 डिग्री है। हम इसको कह सकते हैं आरएचएस कंडीशन से, ठीक है ना, बाय आरएचएस कंडीशन, ये आरएचएस कंडीशन से हमारा एबीई कोंग्रुएंट है, हमारा समान संख्या है बी सी डी बी के, ठीक है। तो हमारे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ अपने कंडीशन के नाम बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देखते हैं। ये सो क्या हमारा क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बता रखा है कि हमारे जो ट्रैक्टर है उसमें कह रहा है कि हमारे फर्स्ट जो है कह रहा है कि हमारा ऐसे कंडीशन से ए आर टी आर पी ई एल है जो आपके कॉम्पोनेंट है, हमें बताना है ऐसे कंडीशन हमें दे रखी है ए आर के फर्स्ट आपके इक्वल कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए आर की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी ई है, तो इसके आगे हम क्या लिख सकती हूँ, बी ई के इक्वल है, ठीक है। आर टी किसके है, आर टी है एल के, फिर हमारे पास जो ए डी है वो किस कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, पी एल के, तो इसको इस तरह से आपको फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का बी में बी पार्ट है, उसमें कह रहा है इफ अगर हमारे पास एक केस में एंगल टी है, एंगल एम के इक्वल है, सेकेंड पार्ट बी पार्ट में एंगल टी एफ के एंगल एम के इक्वल है, और इसमें वो कह रहा है कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेस कंडीशन में, इस ट्राइंगल में क्या है इसके अंदर कंडीशन तक भी साइड एंगल साइड की कंडीशन लग रही है, तो हमें अगर आर टी है हमारे पास तो कौन सी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल है, तो आर टी किसके इक्वल है, ई एन के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है ई एन के इक्वल है और पी एन हमारे पास किसके इक्वल है, पी एन, ये हमारे पास पी एन इक्वल है ए टी के इक्वल है, ठीक है। तो ए और टी हमारे इस तरह से क्यों पूछा गया कि हमारे पास ये साइड ये आएगा और ये वाली साइड इस वाले कंडीशन में, तो साइड एंगल साइड हो गया। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट में बोल रखा है कि अगर हमारे पास एक साइड है ए टी इज इक्वल टू पी एन, मतलब हमारे पास ये वाली जो साइड है ए टी वाली साइड है वो हमारे पास पी एन के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, तो हमें बताना है कि कॉन्ग्रेस कंडीशन हमें दे रखी है एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन दे रखी है, एक हमें साइड गिवन है कि एक साइड इक्वल है, तो कौन से दो एंगल होंगे जो दो इक्वल होंगे, तो हम इस एंगल में देखते हैं कि हमारी जो साइड है वो कौन से दो एंगल को टच कर रहे, क्योंकि हमारे पास एंगल साइड एंगल में क्या होता है दो एंगल के बीच वाली साइड हम लेते हैं इंक्लूडेड साइड लेते हैं, तो ए साइड कौन से दो एंगल को ज्वाइन कर रही है, एक तो ये वाला एंगल को, ये वाला एंगल को, ये वाला एंगल किसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये वाला है, और इस टी की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, हमारे पास एल वाला एंगल, तो हम इसको यहाँ लिखना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है ए, तो इस एंगल ए को कैसे लिखती हूँ, आर ए टी, ठीक है, आर ए टी किसके इक्वल है हमारे पास ई पी एन के, ई पी एन। नेक्स्ट वाला कौन सा है आर टी ए, लिख सकते हो यहाँ पे ए टी आर, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ आर टी ए इक्वल्स टू ई एन पी, ठीक है। तो आपको दो एंगल्स बताने थे, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन में सेकंड फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक टेबल बना रखी है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम के से देखकर आपको उसको फिल करना। सो इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है कि आपको तो एक ट्रायंगल दे रखा है, इस तरह से बड़ा ट्रायंगल है जिसको दो पार्टीशन में दो ट्रायंगल के बीच में बांटा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो ट्रायंगल है ए एम बी ए एम पी, हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है इस तरह वाला लेफ्ट हैंड साइड बना ए एम पी, हमारे पास ए एम क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा पार्ट किसकी कॉन्ग्रुएंट है ये बता रखा है, ए एम इज इक्वल टू क्यू एम, सॉरी पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम के इक्वल है, क्यू है ये हम बताना है। तो हमें ये चीज क्या है गिवन है, क्योंकि हमारे जो डायग्राम में जो चीजें गिवन होती है वो आपको शो करता है, जैसे यहाँ साइड होती है अगर किसी साइड के इक्वल है तो वो उस लाइन पे क्या डैशेस बनाता है, जैसे यहाँ डबल डैश बने हुए
80 है, 80 किसके
नेक्स्ट वाले करें ए आर, ए आर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास, ओ डब्ल्यू। तो जब बात करते हैं आर ए टी, ठीक है, तो टी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, एन टी। तो मैं अगर आर ए टी को इस तरह लिखती हूँ, आर ए टी, आर ए टी, तो किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, डब्ल्यू ओ एन। तो ये हमारे पास ये कौन सी कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन आ जाएगी, ट्राइंगल किसके है, डब्ल्यू ओ एन, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस होता है कॉरेस्पॉन्डिंग में, जो अल्फाबेट का सीक्वेंस होता है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वो हमने पार्ट निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपके ट्राइंगल दे रखा है जिसको दो पार्ट में बटा गया है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करके बता रही हूँ, सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लिखा हुआ है ट्राइंगल बी सी ए को हमें ये कम्प्लीट करना है, जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री पार्ट निकाले हैं हमें। तो बी सी ए, ठीक है, तो बी पार्ट किसकी है, तो बी पार्ट देखो यहाँ पे बी पार्ट ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल है बी सी ए, तो बी सी ए, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल की बात करें तो ये वाले ट्राइंगल से इस ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट निकाल लें। तो इस ट्राइंगल में बी पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर डबल लाइन किस तरफ है, इस ट्राइंगल इस एंगल के इधर है, तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल वाला हो गया, ए बी टी, तो ये क्या हो गया, बी पार्ट है, ठीक है। सी किसकी है, ये सी डॉट है, यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर टी वाला डॉट है, तो टी वाला एंगल पे इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वल है, हमारे पास एंगल है बी ए सी, ये वाला जो है ना, ये वाला 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल से कौन सा वाला अदर है हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल है। तो हमारे पास ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल बी सी ए को हम किस तरह किसकी कॉन्क्रीट कह सकते हैं, बी डी ए, बी टी ए, ट्राइंगल बी टी ए के कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको कह रहा है कि इन अ स्क्वायर शेप टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑफ अ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हमारे एक स्क्वायर शेप लेंगे, उसके अंदर दो ट्राइंगल्स अगर हम ड्रॉन करेंगे, तो उस पैरामीटर के बारे में आपको वो बताना है कि क्या होगा, कि पैरामीटर से रिलेटेड उसके क्या डिफरेंस हो जाते हैं। ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट जो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट होगा, तब क्या होगा, अगर हमारे पास एक स्क्वायर शीट है जिसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, इसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की पैरामीटर क्या है, पैरामीटर से ही होगी। तो इस तरह से क्या है हमारे पास पैरामीटर परिमाप, पैरामीटर आर सेम, जब पैरामीटर जब सेम होंगे, इनका एरिया सेम होगा, तब ये क्या है कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वहां पर परिमाप होगा वो समान होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर सेकंड पार्ट क्या आया है कि दो ट्राइंगल्स बने उनके एरिया तो सेम हो, जैसे एक ट्राइंगल तो ये बनाया और एक ट्राइंगल मैंने कहा कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इनका एरिया जब निकाला हमने, एरिया तो सेम होगा, पर यहाँ पे क्या है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो साइड है, अगर यहाँ पे इसकी थ्री है, यहाँ पे 27 आ गई, तो इसका एरिया तो सेम आएगा, पर कभी कभी होता है कि हमारे पास जो पैरामीटर है वो डिफरेंट आता है, पैरामीटर आर नॉट सेम। परिमाप हमारा असमान होगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया हो सकता है ट्राइंगल का, पर हमारे पास कभी कभी परिमाप या पैरामीटर डिफरेंट होता है, इसलिए इस तरह से दो ट्राइंगल्स को हमने ड्रॉ करा है एक स्क्वायर शीट के ऊपर। नेक्स्ट इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, उसका कहा है ड्रॉ अ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स दैट दे हैव अ फाइव पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पार्ट एंड स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। उसे क्या है कि दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करो, रफली ड्रॉ करना है, रफली ड्रॉ करने के बाद आपको ये बताना है कि दो ट्राइंगल्स
B C D E F. इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे आपको लिखने हैं। कौन सा पार्ट है सिर्फ एक होगा जो आपको सेम ना हो, जब हमारे पास सारे एंगल्स, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऐसा लिखना है। एंगल ए बी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी हमारे पास एंगल एफ के, ए बी हो हमारे पास डी ई के इक्वल, बी सी है हमारे पास ई एफ के इक्वल। अगर इतना भी इक्वल हो और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, अगर ये साइड भी इक्वल ना हो तो हमारे पास ये क्या है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेट नहीं होगा। तो अगर हमारे पास पांच, अगर हमारे पास पैरामीटर्स है, पांच हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं, पार्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाली जो साइड है अगर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारे पास इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, आपके दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, तो ट्रायंगल्स के अंदर दो आकृति बना रखी है ए बी सी एंड पी क्यू आर। थैंक यू।